हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। मैं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का छात्र हूँ और आप देख रहे हैं साई का पाठशाला। मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से CHS, BHU, JNB और सैनिक स्कूल जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी जानकारियाँ देता हूँ। इस वीडियो में आप सभी को CHS एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th से जुड़ी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि CHS एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th में किस स्ट्रीम में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर कैसे देना होता है, निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि CHS एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th में चाहे आप जिस भी स्ट्रीम से दे रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स स्ट्रीम से दे रहे हो, बायोलॉजी स्ट्रीम से दे रहे हो, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से दे रहे हो, आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और अब बात करते हैं कि किस स्ट्रीम से किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम लेते हैं, यानी कि आप मैथमेटिक्स से CHS में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपसे टोटल आपको बता दें कि टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। 100 क्वेश्चन आपको बता दें कि 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन आपसे GK एंड GS से पूछे जाते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताई, यदि आप मैथ स्ट्रीम से एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके एंट्रेंस एग्जाम में इन्हीं सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैंने बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं बायोलॉजी स्ट्रीम के बारे में, यानी कि यदि आप बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहते हैं CHS में और एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी स्ट्रीम चूज किए हैं, तो बायोलॉजी स्ट्रीम आपको बता दें कि 25 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन जो आपको GK एंड करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप में से बहुत बच्चे हैं जो सोचते हैं कि हम आर्ट स्ट्रीम से अप्लाई कर दिए हैं और एंट्रेंस एग्जाम में कम मार्क्स आया है, आर्ट से मेरा क्वालिफाई हो जाएगा तो मतलब स्ट्रीम चेंज कर लेंगे, यानी कि आर्ट स्ट्रीम से फॉर्म भरे हैं तो CHS में जाकर एडमिशन के समय मैथ स्ट्रीम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप जिस स्ट्रीम से फॉर्म भरे हैं उसी स्ट्रीम से आप एडमिशन ले सकते हैं। आप काउंसलिंग के दिन आप अपना स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन यदि आप चाहें तो सभी स्ट्रीम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप मैथमेटिक्स से भी अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजी से भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी एक स्ट्रीम से अप्लाई करके आप चाहेंगे कि काउंसलिंग में स्ट्रीम चेंज कर लें तो ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडमिशन के समय बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं वहाँ जाकर स्ट्रीम चेंज कर लूँगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले वर्ष बहुत बच्चे मतलब परेशान थे इस चीज़ को लेकर कि मैं स्ट्रीम चेंज कर लूँगा ये वो, तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जिस स्ट्रीम से फॉर्म अप्लाई किए हैं उसी स्ट्रीम से एडमिशन ले सकते हैं और आप चाहें तो सभी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि यदि आप आर्ट्स एंड कॉमर्स लेते हैं तो आपसे किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम से एडमिशन लेना चाहते हैं तो CHS एंट्रेंस एग्जाम में 45 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से, 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर से, 15 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश से पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये था आर्ट्स एंड कॉमर्स का सिलेबस। और आपको बता दें कि क्लास 11th में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लास 10th लेवल का होता है, यानी कि क्लास 10th में जो आप पढ़े रहेंगे उसी से क्वेश्चन आपको क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप क्लास 10th अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो CHS एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अलग से मैं आप सभी को सिलेबस पर वीडियो बना दूंगा, स्ट्रेटजी पर वीडियो बनाऊंगा, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें आपको हमारे वीडियो के थ्रू मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल साई के पाठशाला को, ताकि CHS से जुड़ी और भी जानकारी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलता रहे। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं CHS के बारे में तो अपने नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। दिस इज विकास कुमार, शाइनिंग ऑफ।